लॉन्च किया, अभी गाना आपका ऑलरेडी सुपर हिट हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस चीज़ का तो मुझे पहले ही पता था, जब ये गाने का टीज़र मैंने यूट्यूब पे डाला था 30 सेकंड का, तो उसी समय से मैं एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया था किसी काम से, क्योंकि स्टूडेंट लीडर्स भी मुझे कई बार बुलाते रहते हैं, तो मैंने वहाँ देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में कि लोग, लड़के और लड़कियाँ गाना गुनगुना रहे थे। मैंने पूछा, आप ये जानते हैं कौन सी फिल्म का गाना है? तो उन्होंने मेरे से कहा कि नहीं, ये तो नहीं जानते, लेकिन हम अरमान मलिक को का गाना है ये जानते हैं। मैंने कहा ये फिल्म है एक कहानी जूली की। बोले अच्छा। मैंने कहा किस पे? बोली इसमें लीड हीरो हीरोइन कौन है? मैंने कहा इसमें राखी सावंत जी हैं, अमित मेहरा है। तो बोले राखी सावंत जी लीड हीरोइन का रोल कर रही है? मैंने कहा हाँ। तो बोले किसने बनाई है फिल्म? मैंने कहा एक लेडी ने बनाई है, मेरी वाइफ के लिए। मैंने कहा कि वो चेतना शर्मा जी हैं, उन्होंने बनाई है। तो उन्होंने सुन के बोले राखी सावंत लीड हीरोइन? मैंने कहा हाँ। बोले ये गाना देखा हमने, देखने के बाद हमें लगा कि वास्तव में राखी सावंत जी अच्छा रोल कर रही हैं प्ले, और उन्होंने सब लोगों ने उसकी तारीफ की। जो आज के पहले, अभी मैंने सुना था कुछ दिनों पहले कोई प्रत्युषा कांड या कुछ हो गया था, लोग स्टूडेंट्स वगैरह राखी जी के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन उस गाने को सुन के लोगों में एक नई भावना जगी है और राखी जी को पसंद कर रहे हैं लोग। फिल्म देखिए, ये फिल्म जो है ये साइको थ्रिलर फिल्म है, और इसमें राखी जी का जो रोल है एक साइको के रूप में दिखाया गया है, और बहुत ही अच्छी एक्टिंग राखी सावंत जी ने की है इस फिल्म में। मैं समझता हूँ जिन उनके अंदर जो एक एक्ट्रेस छुपी हुई थी वो निकल के इस फिल्म में आ रही है। स्टार कास्ट कैसे फाइनलिस्ट किया? स्टार कास्ट ऐसे फाइनल किया, राखी जी के साथ मैं एक गाना कर रहा था जो टी सीरीज से रिलीज भी हो चुका, तो उसी समय मेरा फिल्म करने का था, कई दिनों से मैंने सोच रखा था। दरअसल मैं आपको बता दूं, मैं इस लाइन से पुराना जुड़ा हुआ हूँ। 2006 से 2012 तक मैं सेंसर बोर्ड का मेंबर था, बोर्ड मेंबर, और शर्मिला टैगोर जी के साथ, और मेरी एक म्यूज़िक कंपनी है दिल्ली में गंगा म्यूज़िक, जो हम रीजनल लैंग्वेजेस पर काम करते हैं। तो मैंने राखी जी से पूछा उस समय कि राखी जी ये स्टोरी को सुन के, राखी जी ने कहा सर ये स्टोरी तो बिल्कुल मेरे से मिलती जुलती हुई है। तो मैंने कहा राखी जी आप क्या इस पर काम करोगी लीड हीरोइन का? बोले बिल्कुल सर, अगर आप चांस दे रहे हैं तो मैं करूँगी। और मैंने राखी जी को लीड हीरोइन लिया, और उनका जो लीड हीरोइन लेना मुझे बहुत सूट रहा, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, और ऐसी एक्टिंग में जब लोग फिल्म देखेंगे तो लोग समझेंगे कि राखी सावंत भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती है। कौन कौन से लोकेशन पे शूट हुई? सर ये फिल्म वॉक की है, ये फिल्म बॉम्बे में शूट हुई है, ये फिल्म गोवा में शूट हुई है, ये फिल्म दुबई में शूट हुई है, ये फिल्म राजस्थान में शूट हुई है, फिल्म आसाम में शूट हुई है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन तो देखिए, मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं इतना बता दूँ कि मैं ये जानता हूँ कि ये फिल्म में जो मेरा खर्चा लगा है वो सारा मेरे उससे दुगना तिगना मुझे वापस आएगा, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी चलेगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात है इस फिल्म के गाने, जो USP है फिल्म की। सेकंड इस फिल्म की बात है इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है। थर्ड इसमें राखी सावंत जी का बहुत अच्छा रोल, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसने। चौथा इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में आज तक किसी फिल्म में कोई मोटे ताजे वैसे विलेन होते हैं, लेकिन इस फिल्म में जो एक विलेन है वो एक लड़की है, और कौन है ये बाद में जाकर खुलता है, पता सस्पेंस है इस फिल्म में। तो मैं समझता हूँ आज की इंडस्ट्री में इट इज़ अ गुड फिल्म। प्रोड्यूसर के लिए कितना रिस्की होता है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसको फाइनलाइज करना, फिर प्रोसेस आगे बढ़ाना? देखिए ये टफ काम तो है, लेकिन मैं क्या है कि जिंदगी में टफ काम ही किए हैं मैंने। आई एम ए पॉलिटिशियन, मैं जानता हूँ कि जनता के बीच में जाना और उनके साथ बैठना और उनको उनके साथ बैठ के उनको कन्विंस करना, तो जिस तरह का वो मेरा काम है उसी तरह का काम है स्क्रिप्ट फाइनल करना, ये करना। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं रहा। कितने स्क्रीन पे पिक्चर लगने वाली है? अभी हमारा ये है, वो तो बाद में जाके फाइनल होता है, लेकिन हमने जो सोचा हुआ है वो 700-800 स्क्रीन सोची हुई।
नहीं नहीं ये जो फिल्म है पूरी काल्पनिक है, इस फिल्म में पहले ही लिखा हुआ आएगा कि ये काल्पनिक है, नॉट ए सच्ची घटना। एक कहानी जूली की, ये ट्रेलर देखने के बाद आपको पुरानी जो जूली मूवी आई थी उसमें रिमाइंड नहीं करती कुछ ऐसे? नो नो, उससे एक कहानी जूली की, इट इज ए साइको थ्रिलर फिल्म, ये अलग ही तरह की फिल्म है, इसकी स्टोरी अलग है, ये सब कुछ अलग है, उस जूली से इसका कहीं कोई मिलान नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इतना बता दूं मैं, इस फिल्म में सबसे अच्छी लोगों को ये है कि रागी सावंत फिल्म है, अंग प्रदर्शन होगा इस फिल्म में, इस फिल्म में ये होगा, इस फिल्म में वो होगा, ये बिल्कुल साफ और मतलब स्वच्छ सुथरी साफ स्वच्छ बिल्कुल वैसी फिल्म है, सेंसर बोर्ड के सारे नियमों को ध्यान में रख के बनाई हुई फिल्म है। मैं समझता हूँ कि कहीं ऐसी कोई फिल्म नहीं है कि जिससे लोग कह सकें कि ये देखो ये बी ग्रेड मूवी है या सी ग्रेड मूवी है, इस तरह के कोई फिल्म में कहीं कोई बात नहीं। आप अपने फैंस को भी अपील करना चाहें? मैं अपने फैंस को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक कहानी जूली की बहुत ही अच्छी फिल्म है और आप सभी लोग इनको देखेंगे, और मैं इतना भी उम्मीद करता हूँ कि एक बार जो इस फिल्म को देखने थिएटर में चला गया वो 10 लोगों से कहेगा कि बहुत अच्छी फिल्म है भाई देखने जाओ। अभी 15 अगस्त की रोज राखी सावंत जी के कपड़ों पर मोदी जी के फोटोज देखे गए, तो ये क्या एक स्ट्रेटजी है फिल्म को प्रमोट करने की? बिल्कुल नहीं, राखी जी का खुद का व्यक्तिगत, देखिए ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है और न ऐसा है, राखी सावंत जी मेरे फिल्म में हीरोइन थी, मैंने उनको, उन्होंने काम किया, मैंने उनको अपना उनका पैसा दिया, वो अपनी पर्सनल जिंदगी में क्या करती हैं क्या नहीं करती इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको लगता है इससे फिल्म को फायदा होगा, राखी जी की चर्चा हो रही कि उन्होंने इस तरह के फोटो लगाए प्रधानमंत्री? राखी जी कुछ भी करें उससे मेरी फिल्म का कोई संबंध नहीं है, मेरी फिल्म एक स्टोरी है, एक अच्छी कहानी है, उसमें एक अच्छे गाने हैं जिसको जनता पसंद कर रही है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि राखी जी से इससे फायदा होगा या इससे नुकसान होगा। बात भी सिलसिले में आपकी राखी जी से? नहीं, राखी जी से मैं सिर्फ अपने फिल्म के बारे में बात करता हूँ, उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में बात नहीं करता। सोनिया, सबसे पहले हम आपके एक थी कहानी, इसमें आप कैसे फाइनलिस्ट हुई, आपने ऑडिशन दिया या फिर कुछ? जो डायरेक्टर हैं इस मूवी के, अजीज, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, मेरे दोस्त हैं, तो जब ये रोल आया कि एक कॉप का रोल है, अंडर कवर कॉप, एंड वो जिमी शर्मा के साथ, बिकॉज जिमी शर्मा कॉप है, एंड तो दे टोल्ड मी अबाउट इट, एंड सो पहले मुझे नहीं करना था, जैसे उन्होंने कहा कि यू नो इट्स अ गुड रोल दिस एंड दैट, बट मुझे समथिंग स्टॉप मी, बट ही इज़ अ गुड फ्रेंड, सो उन्होंने मुझे कन्विंस किया दैट इट्स अ रियली नाइस रोल एंड इट्स अ डिफरेंट सेगमेंट, जो मेरी एंट्री है मूवी में इट्स लाइक 007 जेम्स बॉन्ड की जो एंट्री है, सो ऑल ऑफ दैट कन्विंस्ड मी कि हाँ मुझे करना चाहिए, और उन्होंने मेरा काम देखा था, मैं उनके साथ एक और लीड में मूवी कर रही हूँ, सो दैट्स हाउ मुझे उन्होंने ये मूवी ऑफर की। राखी सावंत के साथ पहली बार काम या इससे पहले भी आपने? नहीं, मैं राखी जी से पहली बार मिली गोवा में, हम शूट के सेट्स पे मिले, एंड हाँ वो बहुत अच्छी है, शी इज़ नाइस, तो फर्स्ट टाइम हम मिले। या कैरेक्टर के बारे में जानना चाहें, किस तरह कैरेक्टर है और ऐसा क्या अलग है जो लोगों को? वो बहुत ही एक सेक्सी ग्लैमरस कॉप है, तो वो एक ग्लैमर क्वोशेंट है मूवी में, बिकॉज काफ़ी सारे, आई मीन राखी इज़ द लीड, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट जो कॉप है लाइक जिमी शर्मा इज़ अ वेरी हॉट कॉप, तो उनके साथ एक जो गोवा की इन्वेस्टिगेशन पूरी करती है, मुझे ज़्यादा नहीं रिवील करना चाहिए, बट तो वो शी इज़ द वेरी हॉट इन्फॉर्मर कॉप, अंडर कवर कॉप जो भी आप कहें, एंड सो या इट्स दैट कैरेक्टर, इट्स वेरी डिफरेंट, बहुत अच्छा कैरेक्टर। लाइफ के बारे में बात करें तो आप कहाँ से आए हैं, आप अपने कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे, किस मुंबई का यहाँ पे आना, लाइक आप साउथ में लाइक लीड रोल कर चुके तो किस तरह का सफर रहा साउथ से लेकर बॉलीवुड? एक्चुअली मैं मुंबई लास्ट ईयर आई, मैं मिस इंडिया न्यूजीलैंड थी, तो मैं न्यूजीलैंड में रह चुकी हूँ, आई वॉज बोर्न इन बॉम्बे, बट आफ्टर दैट आई मूव टू अमेरिका, फिर मैं न्यूजीलैंड मूव हो गई, और वहाँ पर मुझे मॉडलिंग के काफ़ी ऑफर्स आए, सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो मुझे इस वक्त बॉम्बे में सिर्फ एक साल हुआ है ऑलमोस्ट, मैं यहाँ आई थी 2 weeks के लिए,
और आई स्टार्ट गेटिंग मॉडलिंग ऑफर्स. सो दैट्स हाउ मॉडलिंग में जर्नी मेरी स्टार्ट हुई. एंड ऑब्वियसली जब आप मॉडलिंग करते हैं तो यू गेट ऑफर्ड फॉर रोल्स इन मूवीज बॉलीवुड में. तो साउथ में सेम, यू नो, आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव द लुक्स टू बी एन एक्ट्रेस. एंड आई डिड अ तमिल मूवी, तो अभी रिलीज नहीं हुई है, इट्स स्टिल इन द मेकिंग. एंड देन आई वॉज वर्किंग विद जी ऑन अ प्रोजेक्ट, फिर वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गया. एंड दिस केम अप, सो ही सर आप आइए इसमें, आपका रोल बहुत अच्छा है. सो आई ट्रस्ट जी. सो या दैट्स ऑल. साउथ की बात करें, साउथ और बॉलीवुड में कितना डिफरेंस लगता है काम करने में, डायरेक्टर हो या को-स्टार हो या प्रोड्यूसर हो, कितना लगता है? बहुत डिफरेंट है, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. बिकॉज आई थिंक एक लैंग्वेज, मुझे हिंदी आती है, मैंने हिंदी और ठीक की है अपनी, लेकिन तमिल तो मुझे बिल्कुल नहीं आती. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी बहुत अलग होता है वो. बट या आई थिंक यू लर्न, यू ग्रो, आप ऐसे एक्टर बनते हैं, एक अच्छे एक्टर बनते हैं, यू ग्रो, यू लर्न. या तो वो डिफरेंस है थोड़ा लैंग्वेज में.